रुदौली से? हाँ तो नहीं, पूरी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत हो चुका है वहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारे संगठन के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, और ये सब चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि चुनाव में अच्छा नतीजा आए, जनता का हमको साथ मिले, उनकी दुआएं हमको साथ मिले, ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। सर मुस्लिम वर्ग जो है वो इस समय समझ नहीं पा रहा है कि वो वोट किसको दे। नहीं, वो वोट इस बार इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि MIM पार्टी को देगा, इसलिए कि वो जान चुका है कि ये जिनको वोट देते हैं वो सिर्फ वोट लेते हैं, वो नेता नहीं बनाते, वो उनको लीडर नहीं बनाते, ना उनकी कोई इज्जत होती है पार्टी में, तो इसीलिए और BJP को लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुसलमानों में एक एक, एक बड़ी टर्निंग है, एक टर्निंग है, डिज़ायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकोनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। सर सपा के एक विधायक हैं इमरान सोलंकी जी, उनका मानना है कि विधानसभा में जो है वो एक नमाज हाउस बनना चाहिए। देखिए ये सुनिए 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 मुसलमान, आप सुनिए, हम समझ गए, ये जनाब को ये बात बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए, कितने मुसलमान अपने घरों को वापस गए, कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी है वहाँ पर, इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहाँ पर, आप विधानसभा में नमाज की बात कर रहे हैं। वो जो कांड के बाद, आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, उसकी बात नहीं करेंगे? बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दिए, जाइए बात करिए बाराबंकी की। तीसरी बात यह है कि आप ही का MLA यहाँ का सुल्तानपुर का, वो BJP के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सपोर्ट करता है, और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का जो क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है उसका वेलकम करती है। ये नाटक कर रहे हैं क्या? ये देख नहीं रहा है लोग, जनता नहीं देख रही है इनकी इन तमाम जो जोकरपन की हरकतें कर रहे हैं।